कैमरा में दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के जनगांव में चुनाव रैली के दौरान KCR कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर निशाना साधा, तीनों को परिवारवादी पार्टी करार दिया। शाह ने ऐलान किया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद तेलंगाना में 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर देगी, सरकार बनने के बाद यहाँ के लोगों को मुफ्त में अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करवाएगी। जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री शाह ने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा कि यहाँ पर तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए मुस्लिम आरक्षण दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि तेलंगाना के आगामी विधानसभा चुनाव में देश का भविष्य तय करेंगे। शाह ने भारत राष्ट्र समिति के नेतृत्व वाली KCR सरकार में व्यापक भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए कहा कि उनके सभी सौदे की जांच की जाएगी। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि जिसने भी भ्रष्टाचार किया वह सब के सब जेल के अंदर जाएंगे। उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि भारत उनकी लीडरशिप में तेजी से आगे बढ़ा है, वहीं नया संसद भवन बनकर गुलामी की निशानी को भी मुक्ति दिलाने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कर दिखाया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि KCR ओवैसी के डर की वजह से हैदराबाद का विमोचन दिवस नहीं मनाते हैं। उन्होंने KCR पर वादा खिलाफी का भी गंभीर आरोप लगाया है। वह जनता से किए वादों के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके विधायक केवल भूमि पर कब्जा करते हैं। शाह ने कहा कि बीजेपी परिवारवाद नहीं करती, लेकिन यहाँ की तीन पार्टियों में यह सब चरम पर है। गौरतलब है कि तेलंगाना विधानसभा की 119 सीटों पर मतदान आगामी 30 नवंबर को होगा, जिसके परिणामों की घोषणा बाकी 4 और राज्यों के साथ ही 3 दिसंबर को होगी। और देखा जाए तो यहाँ पर मुस्लिमों पर बड़ा हमला यहाँ पर किया, जहाँ पर 4% जो आरक्षण दिया गया है लेकिन उसको खत्म करने की बात यहाँ पर की जा रही है, और साथ ही साथ अयोध्या धाम की यात्रा भी लोगों को कराने की बात ही अमित शाह कहते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार जब से यहाँ पर चुनाव का बिगुल छिड़ा है, लगातार ऐसे बयानबाजी हर पार्टी की तरफ से सामने आ रही है, लेकिन यहाँ पर मुस्लिमों पर बड़ा वार करते हुए अमित शाह दिखाई दे रहे हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।